भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करने वालों को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। भीम आर्मी चीफ पर हमला करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 युवकों को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी हमलावर अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी कर रहे थे और उसी दौरान अंबाला से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला किया गया था। इस पूरे क्रम में 5 टीमें तत्काल बनाई गई थी और 5 टीमों में एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस सहारनपुर की काम कर रही थी। और ये तथ्य सामने आया कि इसमें 4 व्यक्तियों द्वारा, 4 लड़के हैं जिनके द्वारा ये हमला किया गया था। चारों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ महीने में चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली और आसपास पश्चिम यूपी में जो बयानबाजी की जा रही थी, इनका कहना है कि वो बयानबाजी उल्टी सीधी थी जिससे हम लोग चिढ़े हुए थे। और 28 तारीख को ये मेरठ से लौट रहे थे और इन्होंने रोहाना टेल पर कुछ गाड़ियां देखी, उनसे पूछा इन्होंने तो उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। और तत्काल इन्होंने ये निर्णय लिया और उसके बाद इन्होंने पीछा किया। पीछा करने के पश्चात इनके द्वारा फायरिंग की गई है। फायरिंग में कुल 4 लड़के शामिल है। गाड़ी जिसका गाड़ी मालिक है वो बिक्की है, हरियाणा का रहने वाला। बिक्की के बगल में एक लड़का लवीस बैठा हुआ जो रणखंडी का रहने वाला है। बिक्की के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था और प्रशांत के बगल में बिक्की एक है जो रणखंडी का बैठा हुआ था। इनके द्वारा कुल 3 राउंड फायरिंग करना बताया गया है जो कि 315 बोर के तमंचे से किया गया है। 2 राउंड फायरिंग पीछे बैठे बिक्की ने की थी और 1 राउंड फायरिंग पीछे बैठे प्रशांत ने की थी। इस प्रकार ये चलती गाड़ी से फायरिंग किए, फायरिंग करके वहां से फरार हुए और गाड़ी में इनके तेल खत्म हो गया तो गाड़ी इन्होंने एक गांव में छोड़ दी थी। गाड़ी भी बरामद है और उसके पश्चात ये अपना रात में खेतों में छिपे रहे और अगले दिन ये छोटे मोटे मामले में सरेंडर करने के चक्कर में हरियाणा चले गए थे ताकि इस मामले से बचे रहे। सहारनपुर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल टीम वहां पर भेजी और वहां पर इनको इन चारों को गिरफ्तार किया गया, नियमानुसार लाया गया और 2 तमंचे जिसे फायर किया गया है वो बरामद कर लिए गए हैं। उनको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में डीजीपी महोदय ने टीम को जो कार्य कर रही थी 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की है और जितने अधिकारी इसमें शामिल है उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मोटो को लेकर तरह की बात हो रही है कि अलग करेगा मोटो, क्या वास्तव में केवल इनकी जो बयानबाजी थी उससे ही काफी बृहद इनसे पूछताछ की गई है और अभी तक यही तथ्य सामने आए हैं कि जो साइंटिफिक का पूछताछ और बाकी जो भी डिटेल इनकी हम लोगों ने निकाली है, जो इनकी हिस्ट्री देखी है, जो इनके मोबाइल, बाकी सारी चीजें चेक की गई हैं, लंबी पूछताछ कई टीमों ने की है, तो यही तथ्य निकल कर आई सामने आया है जो बताया जा रहा है। चंद्रशेखर जो है अपनी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत कर रहा है, काफी दिनों से एप्लीकेशन दे रहा था, तो अब उसकी नेक्स्ट क्या? देखिए, सबकी सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी, ये भी हम लोग देखेंगे, इसको भी हम लोग करेंगे। अभी आगे की क्या रणनीति? अब आगे इनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके पश्चात विवेचना के लिए एक राजपत्रित अधिकारी के उसमें टीम बनाई गई है और जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। इन चीजों को देखते हुए कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, आगे पुलिस और क्या प्रिकॉशन ले रही है कि चीजें हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, बहुत सारी टीमें हैं इस पूरे मामले में, हम लोग लगे हैं, लगातार हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग सुनिश्चित करेंगे ऐसी घटना ना हो जैसे कि अभी घटना हुई तत्काल, लेकिन इस टीमें लगी रही और सारे अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और घटना का पटाक्षेप हुआ जिससे बहुत सारी चीजें सामने आई। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।